बर्फीले पहाड़ों के साथ वीडियो बना रहे हैं ना। यस यस ब्लॉग बन रहा भैया यहाँ भैया। अच्छा आपका ये एहसान मैं कहाँ चुकाऊंगा आपका ये एहसान कहाँ चुकाऊंगा मैं। मैंने कहा एक कैप्चर वीडियो कर लेते हैं धूप में भी, लेकिन अभी धूप का एहसास नहीं हो रहा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। हेलो ब्रदर व्हाट्सअप यू फ्रॉम लंदन लंदन यूके आई ऑल्सो वांट टू गो लंदन बट माई मदर से डोंट गो। हो भाई साहब थक गया यार, क्या ठंड है यहाँ पे। मैं क्या बताऊँ आपको यार, मतलब क्या बताऊँ यार, इनको क्या कहूँ क्या यार, पूरा शरीर कांप रहा है, हाथ सुन्न हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रॉम सांगला वैली। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था मैं सांगला वैली पहुंच चुका था और हमने सोलो कैंपिंग करी थी यहाँ सांगला वैली में। मेरा कैंप पीछे लगा हुआ है अभी और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और ठंड यहाँ इतनी है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लिप्स वो सुन हो रहे हैं बोलने से लिए, हाथ तो ऑलरेडी सुन है ब्रो। तो अभी बिल्कुल सुबह उठ गया था मैं 6 बजे, मैंने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पीने के बाद मैंने ब्रश किया अच्छे से, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया। नाश्ते में क्या बनाया आपको दिखा देते हैं। नाश्ते में मैंने बनाया चावल और बीच में डाली थी दाल और सोयाबीन थोड़ी सी, ये देख लो भाई। मुझे बनाना कुछ नहीं आता था यहाँ पे आने से पहले, जब मैगी तो सबको आती होती है, इजी होती है, और जब चावल बनाना मैंने मम्मी से सीख लिया था कि मम्मी मुझे बता दो चावल कैसे बनाने हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करना है, मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है। तो फिर अपने अभी 20 मिनट में मेरे चावल बन के तैयार हो चुके हैं, जैसे बने हैं बहुत सही बने हैं, मेरे को दिख तो अच्छे रहे हैं, खा लेंगे गुजारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ऐसे टाइम पे ऐसे करना होता है। सो इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर है -7 के करीब, सुबह सुबह इतना हाई होता है, थोड़ा जब धूप निकलती है दोपहर में थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी मेरे को फटाफट से ये सारा खाने के बाद सारा जो है पैक करना है अपना कैंप, और उसके बाद मेरे को पीछे बस स्टैंड में जाना है और चितकुल जाना है। तो पहले आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, कैसा व्यू है, कितना सुंदर व्यू है, ये देखो भाई वो सामने वहाँ से सूरज निकलेगा अभी, और ये बर्फीली वादियाँ, और ये यहाँ पे थोड़े से पेड़ वाले पहाड़, ऊपर बर्फ वाले पहाड़ आपके सामने, और इस साइड का नज़ारा वो सामने ऊपर पहाड़, यहाँ पे भी पहाड़, पूरी जगह पहाड़। ये है हमारा सांगला वैली, जहाँ के आप सेब खाते हो ना किन्नौर का, यहाँ से सेब ज़्यादा निकलता है, सांगला वैली का सेब ज़्यादा होता है किन्नौर में, और बहुत बेस्ट जगह है। यही जगह थी, यही मेरी मेमोरी दोबारा क्रिएट होगी जब मैं लद्दाख गया था, मैंने यहीं पे कैंपिंग करी थी, वो मेरा फ्रेंड ब्लॉग देख रहा होगा कि हम दोनों यहीं पे थे, उस टाइम मेरे साथ था, आज मैं सोलो कैंपिंग कर रहा हूँ। रात को बहुत बढ़िया नींद आई, कोई इशू नहीं आया, बिल्कुल ठंड नहीं लगी मेरे को, स्लीपिंग बैग बहुत अच्छा है, मैंने रीरैक कर दिया उसको, और बस अपन निकलते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। चुटकी बजा सुन हो गया ओ भाई साहब। तो आज की वीडियो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं हम, अभी सारा खाने के बाद पैक करते हैं, फिर चलते हैं बस स्टैंड में, फिर चलेंगे चितकुल। चितकुल में लास्ट टाइम स्नो पड़ी थी 15 अक्टूबर 2023 को, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको। अब देखते हैं वहाँ पे स्नो बाकी रह गई है या नहीं, या नहीं रह गई। 2 दिन मौसम ख़राब था 15 का और 16 का, लेकिन आज मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकल चुकी है आपके सामने ऊपर, और बिल्कुल परफेक्ट है व्यू। चलो अपन खा लेते हैं इससे पहले कि बस ना छूट जाए, फिर आपसे बाद में बातें करते हैं। पानी की कमी मेरे को महसूस नहीं है, पानी की बोतल मैंने ये भर ली थी और एक पानी की टूटी यहाँ पे है, जब हम पहले आए थे ये पानी की टूटी इस्तेमाल करी थी हमने, तो बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को कैंपिंग करनी है सोलो, ये बहुत बेस्ट प्लेस है, आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं रोकता यहाँ पे कैंपिंग करने से, सारे बहुत अच्छे लोग हैं। तो अपन खा लेते हैं आराम से, उसके बाद सारा पैक करते हैं। Have fun guys, राधे राधे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे धूप आ चुकी है मेरे मुंह पे, वो सामने बिल्कुल, अभी मैंने कैमरा रखा ही था और धूप निकल गई, मैंने कहा एक कैप्चर वीडियो कर लेते हैं धूप में भी, कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, इतनी मस्त धूप है ना, मजा आ गया। लेकिन अभी धूप का एहसास नहीं हो रहा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, 12-1 बजे के बाद धूप का एहसास होगा कि यहाँ गर्मी पड़ रही है थोड़ी, वो देखो भाई सूरज देवता बिल्कुल परफेक्ट। तो अपन खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट, ठीक है एक मारते हैं सेल्फी। तो फाइनली मैंने सब कुछ पैक कर लिया, वो देखो मेरे तीनों बैग रेडी हो गए हैं भाई, बहुत देर लगती है पैक करने में, सबसे ज़्यादा तो 7:15 बजे के करीब मैंने स्टार्ट किया था और 8:05 हो गए भाई, मेरे को 7:30 बस स्टैंड पहुँचना था, बस तो निकल जाए मेरी 8 बजे की बस थी, पता नहीं देखते हैं जाके क्या होता है। फटाफट से बैग उठाते हैं अपने, भारी भारी जो भी है भाई, बहुत देर लगती है पैकिंग करने में यार, यही तो लफड़ा है।
भाई बस स्टैंड तो पहुँच गया हूँ, लेकिन मेरी बस जो है वो मिस हो चुकी है। सारा बैग पैक करते फिर लेट हो गया मैं। 7:30 यहाँ पहुँचना था, लेकिन मैं पहुँचा हूँ 8:05 पे और मेरी बस यहाँ से जा चुकी है। 10 मिनट पहले ही हुई थी, अभी बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ कोई और बस की। 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कभी तो आएगी। सामने व्यू देख रहे हैं आराम से बैठे। भाई क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, खतरनाक सुंदर लग रहा है। ऊपर बर्फ, अभी 3-4 स्टोरीज बनाने डाली हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लोगों के मैसेज आ रहे हैं भाई कहाँ पे है, कौन सी जगह है ये। देखते हैं कितनी देर लगेगी आज चितकुल पहुँचने में। चितकुल जाना हुआ महंगा, देखते हैं अपन। घंटा हो गया यहाँ पे खड़े बस का वेट करते हुए, ऐसे कभी उधर घूम रहे, कभी यहाँ घूम रहे, कभी वहाँ घूम रहे, कभी कौन से व्यू की फ़ोटो ले रहे, कभी कौन से व्यू की फ़ोटो ले रहे। भैया भी साथ में, ये भी कोलकाता से आए हैं, रात को मिले थे वो भी। इन्होंने भी बस मिस कर दी और मैंने भी बस मिस कर दी। कहा था ना सिर्फ मैंने अकेले ने बस मिस नहीं करी, भैया भी साथ में हैं तो वेट कर रहे हैं, 12 बजे बस आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है पियो तो चितकुल वाली बस 8 बजे, ये मेरा सॉरी 12 बजे लिखा है, 8 बजे वाली तो मिस कर दी ना हमने, बट देखते हैं 12 बजे आती है या नहीं, कहीं फिर से मिस तो नहीं होने वाली, लेकिन आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। भाई भाई व्यू देख रहे हैं, आपको थोड़े से शॉर्ट्स दिखाए हैं यहाँ के, आप दोबारा देख लो थोड़े से शॉर्ट्स। यहाँ अगर धूप में अगर मैं कंटिन्यू 10-15 मिनट खड़ा रहूँ तो मुझे गर्मी लगती है, बहुत पसीने वाला टाइप गर्मी। अगर मैं वहीं छाए में जाके बैठ जाऊँ, वहाँ पे सामने जहाँ बैग पड़ा मेरा, तो फिर मेरे को ठंड लगती है कि मेरे को धूप चाहिए। बहुत गजब मौसम है यहाँ का। बस आने वाले चितकुल में तो 1 घंटे वहाँ पे ज़्यादा ही ठंडा है, वहाँ पे धूप गर्मी कुछ महसूस नहीं होने वाला, वहाँ सिर्फ ठंडी महसूस होने वाली है। तो वेट करते हैं 12 बजे का, अभी 10 बजे है। मैं अपना जो व्लॉग है कल वाला वो आज अपलोडिंग में लगा देता हूँ, आप लोग वो देख लेना जब तक, होपफुली आपने देखा होगा वो। तो सीन कुछ ये है कि अभी जिस बस से हम बैठे थे चितकुल के लिए, उस बस ने हमको आधे रास्ते में छोड़ दिया है, क्योंकि आगे कोई लैंडस्लाइड हुआ है, पता नहीं JCB ख़राब हुई है या पता नहीं क्या हुआ है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर चितकुल है और अब हम पैदल जा रहे हैं। इतना सारा सामान था मेरे पास, भाई मिले हैं मेरे को, ये भी चंडीगढ़ से हैं, इन्होंने मेरी मदद करी है, एक बैग ले लिया ये, और एक और भाई जिन्होंने मेरा स्लीपिंग बैग ले लिया। आपका ये एहसान मैं कहाँ चुकाऊंगा आपका ये एहसान कहाँ चुकाऊंगा मैं, वापिस इसी वादियों में आना पड़ेगा एहसान चुकाने के लिए आपका। हेलो ब्रदर, व्हाट्स अप, यू फ्रॉम लंदन, UK, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो लंदन बट माई मदर से डोंट गो, या How many can you action? भाई सांस चढ़ रहा है इतना भारी बैग लेके। भाई साहब कहाँ से आए इतना भाई, थोड़ा तो सांस ले ले यार। UK में कौन सी चढ़ाइयाँ चलते हैं, अरे बहुत ट्रैकिंग है, बहुत ट्रैकिंग है भाई, मेरा तो हड्डी पसली एक ना हो जाए। इसके पास सारा सामान होगा जो आपके, जो आपके पास सामान है ना, छोटे बैग में सारा सामान होगा इसके पास, एवरीथिंग हो गया। लेकिन भाई व्यू खतरनाक है यहाँ से, सांगा से इतना अच्छा नहीं जाना, यहाँ से भी अच्छा है। कौन, चलो भाई चलते हैं देखते हैं आज किस गुल पहुँच पाते हैं या फिर कहीं और रुकते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते में एक और गांव है रक्षम, तो शायद वहाँ रुक जाएंगे या फिर चितकुल। ट्रैकिंग नहीं करी थी ना जुलाकांडा की, तो यहाँ पे ट्रैकिंग हो रही है। हो भाई साहब थक गया, अनलाइक
है क्या ये शहतूत? नहीं मेरे को भी नहीं पता, खट्टे होंगे बहुत। आई कोड़ा खट्टा है भाई, वो अंग्रेज तो इतनी आगे पहुंच गया भाई। कौन सी शिलाजीत खा के आया वो? सोचो पता नहीं कहां से आया होगा। जो कहां पूछना भूल गया, पर कितने दिनों धर्मशाला था ये, कह रहा था धर्मशाला वो चंबा साइड पहुंच गया भाई साहब, गजब घूम रहा है। यहाँ से मार दो छाल सीधा शॉर्टकट खत्म कहानी। तो भाई ये लगा हुआ है जाम, देख लो आप लोग, यहाँ से लंबा जा रहा है वो वहाँ तक। तभी हमको बस ने पीछे छोड़ दिया, अभी तो सिर्फ 500-800 मीटर चले हम, थक गया भाई। ये खोल ली भाई, मैं सोच रहा था इसको कब पीऊँगा, ठंडा तो इतनी है, लेकिन इसका टाइम आ गया पीने का, थोड़ी प्यास लग रही थी, सोचा ये पी लें। ट्रैफिक आजकल यहाँ पे, किन्नौर में शादी का मौसम है तो यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करने भी रुका था भाई, मैं बहुत थक गया हूँ यार। अभी कम से कम 5 किलोमीटर चला होगा, अभी यहाँ से रक्षा आने वाला है गांव, उसके बाद 14 किलोमीटर चितकुल बाकी है भाई यहाँ से। यहाँ पे जेसीबी वाली जो दिखाई थी वहाँ पे, उसने रोक के रखा हुआ है। यहाँ पे किसी की शादी है, तो देखो ये बारात जा रही है वो सामने। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, ये फोकस हो गया भाई, वो देखो दूल्हा बैठा अंदर बुलेरो में। यहाँ पे शादी है भाई, छोटी छोटी गाड़ियाँ जा सकती हैं लेकिन बस नहीं जा सकती, बस बड़ी होती है, तो इसलिए भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, गजब। रात को बहुत ठंड होने वाली है। मेरा स्लीपिंग बैग और मेरा जो खाने वाला बैग है वो उन दोनों के पास ही है, वो भी पीछे हैं, आने वाले हैं, उनकी वेट कर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट भी कर रहा हूँ। ये देखो भाई बराती था अभी, वहाँ बराती आते हैं गाड़ियों में, यहाँ जाते हैं बलैरो पे, है ना गजब। भाई जो फाइनली पहुंच चुके हैं अपन चितकुल में, वो है सामने चितकुल का नज़ारा, बर्फीले पहाड़ों के साथ। वीडियो बना रहे हैं ना? यस ब्लॉग बन रहा भैया, यहाँ भैया अच्छा। भैया कह रहे बैग दिखा दे मुझे, फोटो खिंचानी है सेक्सी वाली। मेरा केक गिर जाएगा यहाँ से, एक सेकंड। रात को भूखा मर जाऊँ मैं, अब ठीक है। भैया को लगता था कि बैग भारी नहीं है, भैया बैग भारी है कि नहीं? चलो 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 चलो, मेरा मैट ना उड़ जाए कहीं। तो भैया बहुत ठंड है यहाँ से, सांगला से ज़्यादा। बस फटाफट से अपन कैंपिंग में जाकर ढूंढते हैं, वहाँ से भी हम कोई वो बलैरो बुक करके आए हैं जिसने फ्री में छोड़ दिया यहाँ पे, 8 बंदे थे हम, बाकी कुछ लोग आगे होटल ढूंढने में चले गए। और मैं जाके ढूंढता हूँ यहाँ से कैंपिंग की, कौन सी जगह पे कैंप करना है अपन को। भैया क्या गजब ठंड है, आप मेरे व्लॉग में भी आ रहे हो यार, ऐसी फोटो मेरी क्यों नहीं लेते यार। वो है मंजिल ऊपर कोने में, वो देखो जो चिटी चिटी है। चिटी चिटी यूं ही चला चला ही यूं ही चला। देखते हैं होटल में रहना या कैंप लगाऊं। तो भाई मैंने ले लिया यहाँ पे होटल जोस्टल, और आप लोगों ने सुना होगा जो कि चितकुल में है, काफ़ी फेमस है जोस्टल के नाम से, और वहीं पे इस वक्त मैं भी बैठा हूँ। मैंने यहाँ सोलो कैंपिंग नहीं करी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर कल को मेरा प्लान बन गया यहाँ सोलो कैंपिंग करनी है, थोड़ा जुनून दिखाना है, तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हाँ नीचे जाऊँ मैं सोलो कैंपिंग करूँ। और मेरे हाथ सुन हो चुके हैं, यहाँ पे सांगला से ही डबल ठंड है भाई, जैसे मैंने बताया था ना, सांगला में टेम्परेचर था -7 के करीब और यहाँ पे टेम्परेचर है -15 के करीब, तो हाथ तो सुन हो चुके हैं। और ये मेरे सामने का व्यू है भाई, आप लोग देख सकते हो यहाँ से, क्या गजब व्यू है भैया, गजब। भैया मेरे को मिले हैं यहाँ से, आए हैं जयपुर से आए हैं हिमालयन पे, और ये वहाँ गए थे काजा स्पीति सारा रूट करके, आज चितकुल आए हैं ये।
तो हम अपने एक घंटा यहाँ गप्पे मारी है, कैसे कैसे नज़ारे हैं, कहाँ कैसा एडवेंचर है। तो अभी भैया के साथ आज रात अपन यहीं पर रह रहे हैं इनके साथ और मज़े करेंगे। तो आज तो सोलो गेट भी नहीं भाई, यहाँ आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, ये साथ में छोटा सा झरना बह रहा है यहाँ पे भाई, देख लो पानी नाला नहीं है भाई, साफ पानी है ये, गजब। यहाँ पे ऐसे हॉस्टल होते हैं, अगर आपको आना तो दिख जाएगा भाई, ऐसे ही हमने बुक कराया। मेरा ऊपर है, हीवला नहीं है बट मेरा अगला वाला कमरा है। यहाँ पे ये कारीगरी ये कराया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग। और ये देखो भाई पानी साफ है बहुत, यहाँ का बिल्कुल चमक रहा है पानी। और ये पीछे का व्यू होटल के, और ये होटल बहुत सारे हैं वहाँ सामने का व्यू। ठंड बहुत है यहाँ पे भाई, बहुत ठंड है। बस यहाँ पे तो होटल वाले हमें वाईफाई दे नहीं रहे, तो खुद का नेट यूज़ करना पड़ेगा, व्लॉग अपलोड करना पड़ेगा, बस हो जाए। जियो यहाँ पे चलता है, एयरटेल चलता नहीं है, मेरे को लगता है एयरटेल चलता है बट चलता नहीं है यहाँ पे। तो अपन यहाँ आज एडिटिंग कर देंगे, दो व्लॉग रहते हैं एडिटिंग करने के लिए, वो मैं कल अपलोड कर दूँगा एक, बाकी इसका वाला जो चितकुल वाला व्लॉग है वो 3 दिन के बाद ही आ पाएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, बाकी रखते हैं। तो लो जी आप सब देख लो यहाँ चितकुल में 6 बजे का नज़ारा, और भैया क्या ठंडा यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको यार, मतलब क्या बताऊँ यार इनको, क्या कहूँ क्या यार, पूरा शरीर कांप रहा है, हाथ सुन्न हो चुके हैं। ये तो मैंने इस कैमरा के क्लिक करने के लिए ग्लव्स उतारा हुआ है, वरना मैंने ही साथ में ग्लव्स डाला हुआ है। ये देख लो भाई, और वो सामने का नज़ारा बहुत बर्फीला है भाई, यहाँ पे मेरे से खड़ा नहीं जा रहा, मेरे पैर सुन्न हो गया, मैं ऊपर जाऊँगा। ये तो भैया के साथ यहाँ पे हम गप्पे मार रहे थे, बहुत मज़े वाली गप्पे मार रहे हैं, और बहुत सारे किस्से हैं जो शेयर कर रहे हैं, काजा के कहाँ गए, कहाँ गए थे, चंद्रतार के, यहाँ के, वहाँ के। तो यही होता है सोलो ट्रिप के मज़े होते हैं, अगर कोई बंदा आता है यहाँ पे सोलो करने के लिए तो नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए बातें होती हैं जो शेयर होती है, कुछ बातें अच्छा लगता है, मज़ा आता है बातें करके, मज़े होते हैं और क्या। तो अभी कह रहे हैं कि भैया चलते हैं यहाँ हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे या कहीं पर थुपका ट्राई करने के लिए, जो कि यहाँ पर फेमस है थुपका, और देखते हैं अपन जाते हैं। यानी कि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है भाई, ठंड लग रही है मुझे, मैं तो ऊपर रजाई में सोना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। हो भाई साहब, इस मोमेंट को मैं याद करूँगा, ये सीनरी को है ना, बिल्कुल गजब। यहाँ पे अभी टूरिस्ट बहुत कम है, बहुत रेयर लोग हैं, वो लोग हैं यहाँ पर जिनको घूमने का चस्का है, जिनको नई नई जगह एक्सप्लोर करने का चस्का है, जिनको ठंड से डरने लगता, मुझे ऐसे व्यू चाहिए, इनका मज़ा है। भैया यहाँ पे हफ्ते से घूम रहे, भैया एक्सपीरियंस बताओ, 8-10 दिन हो गए हिमालय में, एक्सपीरियंस बताओ। बर्फ के पहाड़, ठंड, बस ये हर जगह मिलेंगे, कहीं भी ये यहाँ की निशानी है, वो भी स्पेशली अक्टूबर नवंबर के राइडिंग में, बहुत ज्यादा ठंड है। ये भैया घूम रहे हिमालयन पे, मैं पहले भी बताया आपको, ये स्पीति से हो गया है वहाँ पे कह रहे हैं, वहाँ ब्राउन पहाड़ है वहाँ पे, यहाँ के पहाड़ थोड़े हरे भरे हैं ना, वो भी वाइट हो गए अब स्नोफॉल की वजह से। तो बस भैया अपन इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अब, और होपफुली आपको व्लॉग जो है अच्छा लगा हो ये वाला, अगर अच्छा लगा है तो भाई सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दो दबा के, ताकि आने वाले वीडियोज और चढ़ जाएँ। और देखता हूँ अगर आगे वाला जो वीडियो जो बनाऊंगा वो कैप्चर कर सका, तो अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, एंजॉय योर लाइफ, मे फुलफिल योर ड्रीम्स एंड मजे करो। देखो यहाँ पे बकरा है, बकरी छोटी सी प्यारी सी, मेरे पास आएगी, आ जा। तो यहाँ पे कैंसिल है भाई, अगर आपको लेना तो ले सकते हो, अभी अवेलेबल है यहाँ पे चितकुल में। हैव फन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।